हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो हमारी सीरीज चल रही है सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने की 2022 एंड 23 के लिए। तो आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेड 2 के सैंपल पेपर को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल फ्री है और दूसरा मेरे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड स्टैंडिंग लाइंस रिस्पेक्टिवली आर देयर इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में कितनी स्टैंडिंग लाइंस हैं और कितने स्क्वायर्स हैं वो हमें यहाँ पर पता करने हैं। तो पहले तो हमें स्क्वायर पता करने हैं। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले जो ये हम अंदर वाला स्क्वायर है ये, ठीक है, ये पूरा एक स्क्वायर हो गया और जब हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये टोटल कितने हो गए, फाइव स्क्वायर्स हो गए, राइट। टोटल ये फाइव स्क्वायर्स हो गए और बाहर दो रेक्टेंगल बने हैं, बाहर एक रेक्टेंगल बना है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको भी मिलाकर हमारे दो स्क्वायर हो गए। तो फाइव प्लस टू कितने हो गए, टोटल सेवन स्क्वायर्स हो गए। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो सेवन स्क्वायर कहाँ है, सेवन स्क्वायर इज इन ऑप्शन बी। हमको रिस्पेक्टिवली बताना है, यानी कि पहले वाला जो आंसर है वो स्क्वायर का रहेगा क्योंकि स्क्वायर पहले पूछा है, और बाद वाला आंसर जो है वो स्टैंडिंग लाइन का रहेगा। तो सेवन जो है वो किसी और में ऑप्शन में नहीं है, तो हम चाहें तो इस ऑप्शन को करेक्ट चूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो स्टैंडिंग लाइन्स हैं वो भी फाइव हैं या नहीं। तो देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके, ओनली स्टैंडिंग लाइन पूछा है। तो आपने बचपन में पढ़ा है ना, इनको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं और ये जो होती है हमारी वो स्लीपिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग लाइन्स कितनी है, फाइव। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 6200, 30 tens and 80 ones means 6200 कैसे हम उसको लिखते हैं नंबर्स में, 6200, राइट। 30 tens को हम कैसे लिखेंगे, 30 के आगे 10 वाला एक जीरो और, यानी कि 300। 80 ones यानी कि सिर्फ 80, राइट, ऐसे ही लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ones, tens, 100 and 1000। तो 6200 को हम क्या पढ़ सकते हैं, 6200 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको हम 300 भी पढ़ सकते हैं, 30 ones बोल लो या 300 बोल लो, और ये है हमारा 80 ones। तो ये टोटल कितना होगा ये हमको यहाँ पर पता करना है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, देखो 0 0 ऐड करेंगे 0, टेंस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो 0 0 प्लस 8 इज 8, 2 प्लस 3 इज 5 एंड दिस इज 6। सो 6580 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। ये हमारा जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश का, लास्ट हमारा जो फर्स्ट क्लास का सैंपल पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड था, और ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ईवीएस से रिलेटेड है, मतलब साइंस से रिलेटेड है, हमारे जो सोशल हम बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड है। तो आप जब चारों पिक्चर्स को देखोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट पिक्चर में है जो वो हैंड वॉश हो रहा है, सेकेंड पिक्चर में स्टडी कर रहा है, रीडिंग कर रहा है बच्चा, थर्ड पिक्चर में सी में वो जो है स्विच को हाथ लगा रहा है, एंड फोर्थ पिक्चर में वो ब्रशिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो ए बी और डी हैं ये सारी हैं हमारी गुड हैबिट्स, राइट, और जो ऑप्शन सी है वो है हमारा बैड हैबिट। सो बैड हैबिट इज द ऑड वन आउट। सो ऑप्शन सी इज द ऑड वन आउट इन दिस पिक्चर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सैंपल पेपर में सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह का पैटर्न होता है वो समझाने के लिए सैंपल पेपर बनाया जाता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, या फिर सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, इस सैंपल पेपर में सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन हर एक सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आए, इसीलिए सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो हमको मैथमेटिकल रीजनिंग से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द ट्री विच हैज सम ऑफ देयर डिजिट्स एज 5। उनके जो डिजिट्स का सम हो वो 5 हो, हमको ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो 8 प्लस 8 इज 16, 9 प्लस 2 इज 11, 3 प्लस 2 इज 5, 4 प्लस 1 इज 5,
4 plus 8 is 12, 1 plus 8 is 9, 6 plus 8 is 14, 3 plus 4 is 7, 1 plus 4 is 5, 2 plus 4 is 6, 2 plus 3 is 5 and 9 plus 3 is 12. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका जो डिजिट का सम है वो 5 आ रहा है. ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास 4. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 जो है वो बी ऑप्शन में है. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 13 टेंस प्लस 2 वंस. थोड़ा सा हमको घुमा के दिया है. अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, देखो 13 टेंस का क्या मतलब होता है, 13 के आगे एक जीरो और लगा दो, क्योंकि 10 में एक ही जीरो होता है ना. टू वंस मतलब सिंपल टू, सिंगल डिजिट टू. तो टोटल हमारा कितना हुआ 132. इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया 132. अब हमको इन चारों ऑप्शंस में से ए बी सी और डी में से हमको नंबर चूज करना है जो 132 से कम हो. देखो तो ए ऑप्शन 142 इज ग्रेटर देन 132. 132 इन बी 132 इज इक्वल टू 132. 138 is greater than 132 and option D 123 is less than 132. So option D is the correct answer for this question. Question number 6. What is the weight of watermelon shown in the figure? ये question थोड़ा सा tricky है. आप ध्यान से इस question को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जो स्केल है, वेट स्केल है, इसमें एक तरफ वाटरमेलन रखा हुआ है और एक साइड रखा हुआ है हमारा 200 ग्राम्स का वेट. ठीक है, यानी कि स्केल पर वाटरमेलन के साथ 200 ग्राम्स भी रखा हुआ है. तब जाकर स्केल कहाँ पर पहुंचा है हमारा, ये है हमारे पास 400 और ये है हमारे पास 600. तो इसके बीच में यहां पर स्केल है. इसका मतलब ये स्केल कहां पर है, 550 ग्राम्स पर ये स्केल है. 550 ग्राम, 550 ग्राम किस किस का वेट है, एक तो वाटरमेलन प्लस 200 ग्राम का वेट, इन दोनों को मिलाकर है 550 ग्राम. और हमको पता करना है सिर्फ वाटरमेलन का, हमको सिर्फ वाटरमेलन का वेट पता करना है. तो हम क्या करेंगे, 550 ग्राम में से 200 ग्राम्स को हम माइनस कर देंगे. तो कितना बचा हमारे पास, देखो 0, 5, 5 माइनस 2 इज 3, 350 ग्राम. 350 ग्राम जो है वो हमारा वाटरमेलन का वेट आ गया, जो कि है ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है. इन अ बॉक्स देयर आर 25 ब्लू मार्बल्स. एक बॉक्स है जिसके अंदर 25 जो हैं वो ब्लू मार्बल्स हैं. ठीक है, 18 रेड मार्बल्स, हम लिखते जाते हैं 18 जो हैं वो रेड मार्बल्स हैं, एंड 27 येलो मार्बल्स, 27 येलो मार्बल्स. सो हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन बॉक्स ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मतलब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एड, हमको इन तीनों को एड करना है, यानी कि टोटल कितने हैं. ठीक है, मैंने लास्ट फर्स्ट जो स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर बताया था, बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेरा एक वीडियो है जिसमें आप वर्ड्स को देखकर पहचान सकते हो कि आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट. तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो. सो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 70. सो उस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 70, विच इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एट क्वेश्चन इज मिनी हैड रुपीज 560 इन हर पर्स. व्हेन शी वेंट शॉपिंग शी स्पेंट रुपीज 456. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर. लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन, राइट, लेफ्ट का मतलब हमको क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है इसमें. तो टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी है उसके पास 560 रुपीज. ओके, एंड शी वेंट फॉर शॉपिंग सो शी स्पेंट, स्पेंट कितना कर दिया उसने 456. सो 560 में से 456 को हम कर देंगे माइनस, सो वी विल गेट द आंसर 104 रुपीज.
सो 104 रुपीज लेफ्ट है उसके पास बचे हुए हैं एंड विच इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो आपको वर्ड्स को देखकर समझना है कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको पढ़कर समझना होता है कि हमको उसमें क्या करना है. अगर आपने वो समझ लिया तो कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट. हाँ जी, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है हमारा अचीवर सेक्शन, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ये सेक्शन को हमें जरूर अटेम्प्ट करना है, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, बट आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए है कि आप कितना सोच सकते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हार्ट, मून एंड हम इसको क्रेसेंट बोलते हैं, क्रेसेंट एंड अ फेस रिस्पेक्टिवली. हमको इन सब का जो है वैल्यू निकालनी है. और हमको दिया क्या हुआ है, देखो, हार्ट, 1 हार्ट, 2 क्रेसेंट्स एंड 3 फेसेस आर इक्वल टू 9, 4 एंड 3, राइट. यानी कि 1 फेस की जो वैल्यू है, 1 फेस के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3, तो 1 फेस की वैल्यू तो हमको पता चल गई है. ठीक है, अभी मैं फेस को यहाँ पे स्माइली की तरह बना रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बना रही हूँ जैसा बना हुआ है. तो फेस की वैल्यू हमको पता चल गई 3, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है. फेस के ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो, तो यहाँ पर सिर्फ फेस की वैल्यू लिखी हुई है 3. ठीक है, अब देखो फेस की वैल्यू पता चल गई, क्रिसेंट प्लस फेस इक्वल्स टू 4. तो फेस की वैल्यू है 3, रख दो इसमें, यहाँ पर फेस की जगह पे 3 रख दो. तो क्रिसेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 बनाने के लिए, 3 प्लस 1, है ना, 3 प्लस 1 4 होता है. तो क्रिसेंट की वैल्यू कितनी हो गई, हमारा जो क्रिसेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई है 1, राइट. अब देखो हमको यहाँ पर क्रिसेंट की वैल्यू पता चल गई, फेस की वैल्यू पता चल गई. क्रिसेंट की वैल्यू कितनी है 1, फेस की वैल्यू कितनी है 3, और टोटल कितना चाहिए 9. तो 3 प्लस 1 4, इसमें हम कितना और ऐड करेंगे, 5 और ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा. तो हार्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 5. तो हमारे पास आंसर क्या हो गए, हार्ट हमको किस सीक्वेंस में निकालना है, हार्ट, क्रिसेंट एंड फेस. तो हार्ट का आंसर 5, क्रिसेंट का आंसर 1 एंड फेस का आंसर 3. सो 513 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सोनिया बायस 4 एप्पल्स, 2 मैंगोज एंड 5 टमेटोज फ्रॉम द मार्केट. देखो यहाँ पर हर एक जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनका एक प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है. तो आप ये जो प्राइस है ये सिंगल का है, यानी कि एक बनाना, एक एप्पल, एक मैंगो, एक ब्रिंजल, इनका प्राइस है. और आपको जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर पूछी है, जैसे यहाँ पर पूछा है 4 एप्पल्स, तो 1 एप्पल के प्राइस में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 एप्पल का प्राइस आ जाएगा. ठीक है ना, तो 1 एप्पल का प्राइस कितना है, देखो, 20 रुपीज. ठीक है, तो हम इसमें 4 एप्पल्स का कैसे निकालेंगे, 20 into 4, यानी कि कितना हो गया, 80 रुपीज. अब और हमसे क्या बोला है, 2 मैंगोज, तो 1 मैंगो का कितना प्राइस है, 1 मैंगो का प्राइस है 10 रुपीज. तो 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 रुपीज. फिर हमसे बोला है 5 टोमेटोज, तो 1 टोमेटो का कितना प्राइस है, 1 टोमेटो का प्राइस है 8 रुपीज. तो 5 का कितना होगा, 40 रुपीज. अब हम इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना है टोटल. ओके, सो 0, 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 8 इज 14, सो 140 इज ऑप्शन बी. सो 140 जो है वो मनी हमको पे करनी पड़ेगी ये सब कुछ खरीदने के लिए, हमको नहीं, एक्चुअली सोनिया को पे करनी पड़ेगी ये सारा सामान खरीदने के लिए. ओके, सो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है इस बार के सैंपल पेपर में. बहुत ही इजी पेपर होता है, थोड़ा सा आपको अपने सिलेबस पे और कंसेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है. तो उसके लिए आप देखते रहिए मैथ इज वन विशैली, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सभी तरह के वीडियोस, सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्लास 3 के लिए. तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा. चलिए मिलते हैं, बाय बाय.